गाइस प्रेज अल्लाह और सबको, मैं हूं नेहा संजय और एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं और मैं परमेश्वर से यही दुआ करती हूं कि आप सब अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे और परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा होगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं और मैं भी आपकी दुआओं से सच में बहुत ज़्यादा बेटर हूँ। अब पहले थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा बेटर हूँ और सच में परमेश्वर का धन्यवाद कि खुदा बहुत महान है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी जो मेरे साथ इन दिनों हुआ और मैं उन सब चीज़ों को आपसे शेयर करना चाहूँगी। मैं आज मैं बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये सारी चीज़ों को शेयर करूँ। सो आइए हम शेयर करते हैं। तो बात ये है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों में हम सब एक ऐसी पैंडेमिक से गुजर रहे हैं जो सच में बहुत भयानक है। मतलब रोज़ाना एक दिन ऐसा नहीं जाता है कि कुछ ऐसा सुनने ना मिले जो हमारे दिल को हिला कर रख दे। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी था। मुझे बहुत दिन से फीवर आ रहा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी। तब मुझे लगा नॉर्मल फीवर है, उसके बाद चीज़ें बिगड़ती गई और एक दिन तो मतलब मेरी पूरी हिम्मत टूट चुकी थी। और जब जाके फिर मैंने जब ब्लड टेस्ट कराया, सारे टेस्ट हुए तो पता चला कि मेरे को टाइफाइड है और मेरी प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। और उस टाइम पे मेरा हाल इतना बुरा था कि मुझे याद है कि जब मैं डॉक्टर के पास गई तो वहाँ से निकलने के बाद ही मुझे इतनी गंदा चक्कर आया था कि मैं अपना ऐसे सर पकड़ के ऐसे फट रहा था मेरा सर। और लिटरली मैं ऐसे पकड़ के बैठ गई थी पापा के पास कि पापा मेरा सर, मतलब वो बहुत ही भयानक सीन था। और फिर उसके बाद उल्टियाँ, कभी कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। डॉक्टर ने मुझे कुछ चीज़ों को बोला और मुझे जहाँ तक लगता है कि आजकल ये बीमारी फैल रही है, कोरोना है, लेकिन कोरोना से भी ज़्यादा एक और बीमारी है जो मैंने अभी देखा है हमारे यहाँ पे, टाइफाइड बहुत ज़्यादा फैल रहा है और डेंगू। और इन सब में क्या होता है कि प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं और प्लेटलेट्स कम हो रही हैं तो मतलब इंसान खतरे में ही हो जाता है अगर ऐसा कुछ होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी जो मैंने किया, खुदा ने मेरे जीवन में कैसे रिकवरी इतनी जल्दी की। कुछ चीज़ें हैं जो घरेलू हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन बस उसके लिए थोड़ी सी करने की चाह होनी चाहिए, बाकी आप सच में अच्छा रिकवर कर सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले डॉक्टर ने मुझे बोला कि पानी पीना है। और उस टाइम पे मेरा मुँह इतना कड़वा हो रहा था कि मेरे को पानी बिल्कुल नहीं पिया जा रहा था। और मतलब मैं इतनी पानी की चोर हूँ कि मैं बहुत कम पानी पीती हूँ लिटरली। और उस टाइम जब उन्होंने बोला अगर तुझे बचना है तो तुझे पानी पीना होगा और कम से कम 3 से 4 लीटर एक दिन में पीना होगा। और उसके बाद मैंने ठान लिया कि सच में परमेश्वर करना तो पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है, मैं मुझे पता है कि बहुत से लोग हैं जो बीमारियों से गुजर रहे हैं और जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना इतना ज़्यादा ग्लूकोज चढ़ा सके, ये कर सके, वो कर सके, हॉस्पिटल में एडमिट हो सके। लाइक मी, मेरे पास नहीं है सच में। और मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी दवाइयाँ भी कहाँ से आएंगी अगर मैं एडमिट हो गई तो, क्योंकि मम्मी भी उस टाइम पे बीमार थी और मम्मी के पीछे भी बहुत ज़्यादा पैसा लग चुका था। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे यही करना है क्योंकि कुछ भी हो जाए, इतने पैसे हैं नहीं कि मैं एडमिट कराऊँगी अपने आप को, और ये स्थिति भी नहीं है एडमिट कराने की। तो मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, उस टाइम पे मुझे इतना गंदा लग रहा था पानी और हर एक चीज़ इतनी गंदी लग रही थी। और मैंने रात को दिन को इतना पानी मैंने ज़िंदगी में नहीं पिया होगा जितना मैंने पिया है। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक और चीज़ सजेस्ट की थी, गिलोय। तो गिलोय हमने बहुत बारी सुना होगा, घनवट्टी ऐसे कुछ करके, लेकिन मैंने कभी नहीं उसको पिया था या क्या था। उन्होंने बोला कि उसको उबाल के पानी में आपको बॉयल करके पीना है रोज़ 1 ग्लास। तो उस टाइम पर मैंने, इतना ज़्यादा वो कड़वा था, इतना ज़्यादा कड़वा था मैं बता नहीं सकती, लेकिन मैंने पिया और सच में मैंने उसको पिया। जैसे भी पिया, मेरे कैसे उतरा है मेरे गले से मुझे पता है, लेकिन इट इज़ वेरी इफेक्टिव, इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव, आई एम जस्ट टेलिंग यू सीरियसली, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि मैंने उसको पूरा एक्सपीरियंस किया है। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे बकरी का दूध पीना है। मतलब लिटरली मैं कभी वाइट दूध नहीं पीती हूँ, मुझे उल्टी आ जाती है, और बकरी का दूध पीना जो ज़िंदगी में नहीं पिया कभी। तो उस टाइम पे मेरी हालत ऐसी थी कि पैसे नहीं लगवाने हैं ना, तो पिया मैंने, पानी भी पिया मैंने, बकरी का दूध भी। सुबह आप यकीन नहीं करेंगे, सुबह सुबह बकरी का दूध आता था और इतना सा मिलता था, मिलता ही नहीं है,
क्योंकि बकरियां वैसे भी इतनी नहीं कोई पालता है, और इतना सा दूध वो कच्चा मुझे पीना होता था, और लिटरली मैं टंकी के पास बैठ कर कि जब मुझे उल्टी आएगी तो जल्दी से पानी मिल जाएगा, और ऐसे करके पीती थी। और जैसे वो उसका स्वाद जब मेरे मुंह में जाता था ना तो मैं बस ख़त्म, और उसके बाद वो पीने के बाद तुरंत मैं उल्टी जैसा हो जाता था और मैं कुल्ला करती थी, फिर कभी जूस पी लेती थी ताकि मीठा लग जाए, कुछ स्वाद बदल जाए एकदम से टेस्ट सा, ऐसे किया है मैंने। और लिटरली जब सुबह उठती थी तो मैं सबसे पहले बकरी का दूध ही बोलती थी कि लाओ पहले ये ही दे दो, क्योंकि इसके बाद और स्टेप बाई स्टेप कड़वी कड़वी चीज़ें मुझे खानी हैं। और ये तो था कि मैंने किया और जूसेस पिए, मैंने फ्रूट्स खाए, फिर उसके बाद मेरी भूख भी खुलने लगी और मैंने खाना भी खाना स्टार्ट किया, चुकंदर खाई, बहुत सारी चीज़ों से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने एक ऐसी फैमिली दी जो इतनी ज़्यादा केयर किया, क्योंकि बकरी का दूध कहीं नहीं मिल रहा था। अंकल पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लेकर आए, पता नहीं गिलोए अंकल ने ला कर रखी और उसको उबाल के मेरी बहन ने मुझे दिया, और दादी हमेशा फ्रूट्स काट काट कर मेरे को दे रही थी, जूसेस के लिए, दवाई के लिए पैसे, ये वो बहुत ज़्यादा। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि प्रभु ने हमें एक ऐसी फैमिली दी है जो सच में हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, और सचमुच परमेश्वर ने ऐसे दोस्त भी दिए हैं जो मिनट मिनट पे पूछ रहे थे। मैं आपसे सच बताना चाहूँगी, आपकी लाइफ में बहुत से लोग होते लेकिन बहुत कम होते हैं जो आपकी उस समय में केयर करें जिस समय आपको ज़रूरत होती है। मेरे पास हज़ारों कॉल ऐसे आते हैं जो सिर्फ अपनी अपनी सुनाते हैं, कभी मुझसे नहीं पूछते कि मैं कैसी हूँ, क्या है, कैसे नहीं। और बहुत से कम हैं, जब मैं बीमार पड़ी तो बहुत ऐसे लोग जो मुझे पूछ रहे थे और वो दिल से पूछ रहे थे, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे लोग भी मेरे जीवन में उन्होंने डाले। तो आप ऐसे लोगों को अपने जीवन से कभी ना जाने दें। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए बने हैं, परमेश्वर ने हमें रखा ही इसलिए ताकि एक गिरे तो दूसरा उसको उठा सके। मुझे याद है जब मैं बुखार से जूझ रही थी तो उस टाइम पे जब मुझे पता नहीं था कि मुझे एक्चुअली में कौन सा बुखार हो चुका है, तो तब मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी जो COVID-19 से जूझ रहे हैं। और मैं मुझे याद है कि जब मैं जल रही थी, रात में मैं जलती थी बुखार से, मैं एकदम से रोनियान होती थी, तब भी मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर भी दिया। बहुत से लोग चंगे हो गए, उनको नेगेटिव रिपोर्ट आई है, और मैं परमेश्वर का उन सब के लिए धन्यवाद करती हूँ। लेकिन मैं एक और चीज़ के लिए धन्यवाद करती हूँ कि उन लोगों ने भी मेरे लिए, जब मैं बीमार पड़ी, जैसे उन्होंने सुना, उन्होंने उस COVID-19 की स्थिति में भी मेरे लिए प्रार्थनाएं की, और वो मेरे से बोल रहे थे कि तेरे लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे घर में प्रार्थना चल रही है, टेंशन नहीं लेना, ये मत करना, वो मत करना। एक मेरी फ्रेंड है, थैंक यू फाकरा, वो हमेशा मेरे को बोल रही कि मुझे एक एक दिन की खबर चाहिए तेरी कि क्या क्या कर रही है, कैसे है, अभी कैसे है, अभी ठीक है कि नहीं है। मतलब लिटरली ऐसे लोग हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। और प्रभु के दास जो प्रभु ने उन अंगों को मेरे जीवन में डाला, वो लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, और बहुत से लोग जिनको पता था वो सब प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर का धन्यवाद। और मेरी फैमिली जो मेरी केयर करती है, और आंटी हमेशा मुझे कॉल करती है, मैं कभी कॉल नहीं करती हूँ। मेरी एक बहुत गंदी आदत है कि मैं अपनी तरफ से बहुत कम कॉल करती हूँ जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, ये है मुझ में, पता नहीं क्यों है। तो बहुत से लोग कभी कभी गुस्सा भी हो जाता है कि आप कॉल नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, बट मेरी एक थोड़ी कम आदत है। तो आंटी हमेशा मुझे कॉल करती है, मैं उनको कभी कॉल नहीं करती हूँ। रेचल मेरा बच्चा, वो हमेशा मुझे कॉल करती है, मैं कभी कॉल नहीं करती, लेकिन वो मुझे 10 बारी उससे मेरा उससे बात करके मेरा मन खुश हो जाता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने ऐसे लोगों को डाला, ऐसी फैमिली को डाला जो हमेशा साथ खड़ी होती है। और प्रभु का धन्यवाद हो सबसे पहले तो, क्योंकि परमेश्वर अगर ना करे तो हम इस दुनिया में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और वो स्थिति कहने को तो टाइफाइड था, थोड़ी प्लेटलेट्स कम थी, बट मेरे लिए वो एक खतरे का साइन था, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था अगर तेरा प्लेटलेट्स नहीं बढ़ी तो मैं हाथ जोड़ लूँगा, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे कोई डॉक्टर्स नहीं हैं, कुछ नहीं है बड़ा कि मैं कर सकूँ, और ना ही मेरे पास इतना पैसा कि मैं भाग सकूँ अपने आप को ले लेके इधर उधर उधर। तो परमेश्वर ने इनकी प्रार्थनाओं के ज़रिए मुझे चंगा किया, और 3 दिन में जब मैंने दोबारा रिपोर्ट कराई और मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर सेट की मिठाई बंटवा दे, क्योंकि
खुदा ने तुझ पे बहुत रहम किया है और परमेश्वर ने तुझे बचा लिया। बहुत बड़ी चीज़ है कि इतने कम दिन में प्लेटलेट्स इतनी ज़्यादा बढ़ जानी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु हमें संभाल के रखता है, हमारी रक्षा करता है। वो जानता है हमारी ज़रूरतों को, जिनको नहीं पता वो तब भी हमारी ज़रूरतों को जानता है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है उस चीज़ को लेकर, क्या हम उस ट्रीटमेंट के लायक है कि नहीं है। परमेश्वर सारी चीज़ों को जानता है और प्रभु उसी तरीके से हमारे लिए मुहैया करता है। मैं जानती हूँ बहुत से लोग हैं जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, मतलब जब मैं सुन रही हूँ मेरे आसपास मेरे स्कूल मेट्स बहुत से लोगों की डेथ हो गई है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा रात को नींद नहीं आती है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए मन करता है। और सच में जब ये सोच कर ना दिल दहल जाता है कि प्रभु ये क्या हो रहा है, परमेश्वर ये नहीं होना चाहिए था, प्रभु आप दया करें। बट परमेश्वर की जो इच्छा है वो तो होकर ही रहेगी, तो हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है ताकि अगर परमेश्वर कुछ ऐसा कर भी रहे हैं तो प्रभु हम पर दया करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आप सबसे इसीलिए मैं बात करना चाहती थी कि मैं एक कुछ देर निकाल कर मैं आप सबको धन्यवाद कर सकूं और मैं कुछ जो मैंने किया ट्रीटमेंट के लिए वो आप तक पहुंचा सकूं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद इस बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो मैं सच बोल रही हूँ, आपको पानी पीना है, बहुत ज़्यादा पानी पीना है, चाहे कुछ भी हो, नो एक्सक्यूजेस। और आपको गिलोय का पानी ज़रूर पीना है, इट इज़ वेरी 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 इफ़ेक्टिव। और फ्रूट्स वगैरह जो आपके घर में है अवेलेबल है आप वो खाइए, बट प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। और अगर परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में कुछ और लिखा है वो अलग चीज़ है, लेकिन हमें अपने आप का ध्यान रखना वो हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हमें लड़ना है चीज़ों से, हमें लड़ना है बीमारी से। हमें तब तक हार नहीं माननी जब तक परमेश्वर के वहाँ से आदेश ना आ जाए हमारे लिए। हालेलुया। तो और इस ये गवाही बताने का एक और मकसद है ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो इस समय अपने आप को डीमोटिवेट कर रहे हैं। प्रभु जब मुझे सही कर सकता है तो परमेश्वर आपको भी सही कर सकता है, आप भी उसके बेटी बेटा। और परमेश्वर हम सबका ध्यान रखता है, और आप सब प्यार से रहें, प्रेम से रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, क्योंकि जब हम किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तभी कोई हमारे लिए भी प्रार्थना करेगा, जब हम किसी की केयर करेंगे तब हमारे लिए भी कोई पूछेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैंने वो किया और इसीलिए प्रभु ने मेरे लिए उन लोगों को खड़ा किया कि उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। एंड थैंक यू सो मच मेरे सारे दोस्तों के लिए, मेरे सारे कलीसिया के लोगों के लिए, मेरे सारे प्रभु में जो अगुवे हैं उन सब के लिए, और थैंक यू सो मच मेरे परिवार के लिए। परमेश्वर प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे चंगाई को दिया। अभी मैं बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ, क्योंकि आपको दिख भी रहा होगा, और प्रभु का धन्यवाद हो। तो एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जिन डॉक्टर्स के पास मैं गई थी मैं उनको स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि वो चाहते तो मुझे दवाइयाँ देकर मुझे बोतलें चढ़ाकर अपने पैसे बना सकते थे। क्योंकि आज कल मैंने जितना ऑब्जर्व किया बहुत से लोगों की धारणा बन चुकी है कि डॉक्टर सिर्फ पैसा कमा रहे हैं और पुलिस वाले बहुत बेकार हो रहे हैं, एडवोकेट बहुत झूठ बोल रहे हैं और कभी भी अपने बच्चों को ये ना बनाएं कभी ही, मतलब बहुत से लोगों की, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सी चीज़ों को देख रखा है। पर मैं आपसे कुछ पॉजिटिव चीज़ों को शेयर करना चाहूँगी कि मैंने भी देख लिया, ऐसा नहीं है हर इंसान एक सा नहीं होता। हाँ मैं मानती हूँ कि बहुत से डॉक्टर्स आजकल ये कर रहे हैं क्योंकि शायद उनकी भी ज़रूरत है, लेकिन बहुत से डॉक्टर्स हैं जो अपनी जान हथेली पर लेकर लोगों के लिए खड़े हैं, उनको नहीं परवाह कि किसको क्या है। हमारे यहाँ के ऑलमोस्ट डॉक्टर्स ने दुकानें बंद कर चुके हैं क्योंकि उनको डर है कोरोना का। जो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं उन सब ने बंद कर दिए दुकानें, सिर्फ एक वो इकलौते डॉक्टर हैं जो लोगों को देख रहे हैं। और जब मैं सोच रही थी प्रभु ये इतने बूढ़े हो चुके हैं और अगर इनको कुछ हो गया खुदा ना करे तो कैसे चलेगा, तो एक औरत ने उनसे पूछा कि आपने क्यों खोली हुई है, सब ने बंद की है। तो उन्होंने बोला मानवता फिर कहाँ रही। और ये मेरे दिल को छू गया, मतलब लिटरली उन्होंने बोला कि मानवता कहाँ रही। अगर मैं भी ये बंद करके चला जाऊँगा तो मेरा धर्म कहाँ है। मतलब डॉक्टर्स लोगों को बचाने के लिए हैं और मैं ये करूँगा, बाकी जो खुदा ने मेरे लिए, अगर खुदा ने कैसे भी करके मेरे लिए मौत को लिखा है तो वो हो जाएगी, लेकिन मैं तब तक करूँगा उनके लिए, लोगों के लिए। एंड आई फेल्ट सो ब्लेस्ड
कि ऐसे भी लोग हैं, तो आप ऐसी धारणा को मत लीजिए। परमेश्वर ने हर एक को बनाया है, हर एक इंसान अच्छा और बुरा दोनों होता है, पर वो क्या अपने में उभारता है, वो कैसे चल रहा है, वो मायने रखता है। तो सच में मैं उनका थैंक यू कहना चाहूँगी, और उनका सच में बहुत बड़ा थैंक यू कि उन्होंने मेरे लिए किया। उन्होंने ऑलमोस्ट सब लोगों के लिए वो बोल रहे हैं, जैसा भी बोल रहे हैं, जो जो वो बता रहे हैं, क्योंकि वो फालतू के पैसे नहीं बना रहे, वो लोगों के लिए कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, परमेश्वर उनको बहुत ज़्यादा आशीष दे। तो मैंने सोचा उनके लिए एक थैंक यू कार्ड बना लूँ मैं और कुछ नहीं दे सकती, तो थैंक यू कार्ड दे ही सकती हूँ, ताकि उनका जो मनोबल है वो और बढ़ सके लोगों के प्रति। तो मुझे कुछ सोचा कि मुझे पेंटिंग करनी है आज, तो इसी के लिए मैंने बहुत सारी पेंटिंग वगैरह की है। हाँ, मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने जब मुझे कुछ होता है ना अंदर से कि मुझे करना है करना है, तो मैं कर देती हूँ। तो मैंने किया है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखो, मैंने पहला ये बनाया है, और फिर ये कुछ बनाया है और ये एक्चुअली लोटस है, और एक मैंने ये बनाया है तो ये सारी चीज़ें आज मैंने बना डाली, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया ये सब चीज़ों को बनाने में। और कभी कभी कलरों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो परमेश्वर जब हमारे ज़िंदगी में उन रंगों को भरता है जो शैतान हमारे ज़िंदगी से चुरा कर ले जाता है, तो अच्छी बात है कि हम उन रंगों को छलका दें। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं ज़्यादा आपको पकाऊंगी नहीं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब भी अपने परिवार को प्यार कीजिए, अपने लोगों को प्यार कीजिए, उन लोगों को प्यार कीजिए जो आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और सचमुच प्रार्थना सबसे अच्छा गिफ्ट है किसी को देने के लिए। आप चाहे किसी कोई बीमार है उसके लिए आप दवाइयाँ लेकर जाएँ, आप उसके लिए पैसे लेकर जाएँ, आप उसके लिए जूसेस लेकर जाएँ, कुछ भी लेकर जाएँ, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप अपने मन को तोड़कर उसके लिए घुटनों पर बैठते हैं, और उससे ज़्यादा प्यार आप उसको दे ही नहीं सकते। और मैं उन सबको धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया अपनी प्रार्थनाओं के ज़रिए, और मैं आज खुदा की दया से भली चंगी हूँ। और उन सब के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, और मैं कर रही हूँ। जो भी आपकी अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना में आपको शामिल करूँगी, और आपके प्रार्थना विषय को रखूँगी, ताकि परमेश्वर आप सबको भी चंगाई दे, और जो ये स्थिति है इसमें हमें स्ट्रांग बनाए, ताकि हम इससे लड़ सकें। चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम अपनी विल पावर को कम ना करें, हम परमेश्वर पर अपना भरोसा कम ना करें। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि जिसका लिखा होता है उसका तो आना ही है। हाँ, आना है, लेकिन परमेश्वर ने एक और जगह को हमारे लिए तैयार किया है, वो है स्वर्ग। और जब तक हम यीशु मसीह को ना अपना लें, जब तक उसको हम अपना उद्धारकर्ता ना मान लें, वो स्वर्ग की कुंजी हमें नहीं मिलेगी। इसीलिए यहाँ से जाना वो टेम्प्ररी है, पर वहाँ पर हमें परमेश्वर को मुंह दिखाना है। इसीलिए हमें एक दूसरे को प्यार करते रहें, और नफरत को मिटा डालें। अगर अभी भी आपके मन में किसी के लिए नफरत है, अगर अभी भी आपके मन में वो घमंड, वो ईगो बैठा हुआ है कि हमें उससे बात नहीं करनी, इससे नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, उसको छोड़ दें। और प्लीज़ अपनी सेफ्टी रखें, मास्क पहने ज़रूरी है, और प्लीज़ अपने घरों में ही रहें। जब तक आपको ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ घर में रहें, और प्लीज़ सफाई का ध्यान रखें, और अच्छा अच्छा खाना खाएं, हल्का फुल्का खाएं, ज़्यादा हैवी ना खाएं, नमक मिर्ची कम कर दें, ऊपर से पानी बहुत ज़्यादा पिए, वो तो पैसों का नहीं आता है,
प्लीज़ पानी पिए प्लीज़। और अगर जहाँ भी आपको गिलोय मिल जाती है तो प्लीज़ आप करें, हमारे यहाँ पे मिल जाती है उसकी लकड़ी तो हम उसे पानी में डालकर उबाल लेते हैं। लेकिन जिनको नहीं मिलती है, कुछ गोलियाँ भी आती हैं, आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके उन गोलियों को ले आएँ, और उसका पानी भी आता है पतंजलि का या कैसा भी जैसा आपको मिले आप पिए, और खुदा आपको सही रखेगा। और पपीता खाएं आप, पपीता बहुत अच्छा होता है पेट के लिए भी, लीवर के लिए भी, इम्यूनिटी के लिए भी, तो वो सब आप खाएं। और जितना हो सके आप बस खुश रहें और अपने आप को मोटिवेट रखें, अपने आप को उस फेथ में रखें कि जो, क्योंकि मुझे पता है सबके लाइफ में कोई ना कोई खबर ऐसी सुनने आ रही है जहाँ हम टूट रहे हैं, बार बार टूट रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु जो भी कुछ करता है वो भलाई ही को उत्पन्न करता है, इस पर विश्वास करें और टूटे ना। क्योंकि जब जब हम टूटते हैं ना, हम प्रार्थनाओं से दूर होते हैं और शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप डरे ना, प्रार्थना में बने रहें। चाहे जैसी भी स्थिति हो, आप मर रहे हो, जी रहे हो, जो भी हो, आप प्रभु को याद करना ना भूलें। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा, आपके लोगों को, आपके परिवारों को ठीक रखेगा, और परमेश्वर आपके साथ है। आप खुश रहें, ऐसी स्थिति में भी अपने आप को खुश रखना एक चैलेंज है, उसको अपनाएं और उसको करके दिखाएं। हालेलुया। और परमेश्वर इसी के साथ आप सबको बहुत 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 आशीष दे। और जिसकी भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूँगी और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी जैसे मेरे लिए आप लोगों ने की है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और इसी के साथ मैं आप सबको जय मसीह की कहती हूँ। खुश रहिए, जय मसीह की।